नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो यार चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। बच्चों और बुढ़ो पढ़ा, तो चलिए पहली खबर भाई कहते हैं गोरिल्ला ग्लास से। तो गोरिल्ला ग्लास से कहते हैं भाई अंतर्गत आती भैया कॉर्निंग। तो कॉर्निंग कहते हैं भैया मेन कंपनी है, उन्होंने बोला है भैया कि आपकी स्मार्टफोन में जो क्या कहते हैं प्रोटेक्टिंग कैमरा लेंस आती है भैया, उसमें प्रोटेक्टिंग करेगा भैया जब अपना ग्लास लगाएगा। दो ग्लास आने वाली है, गोरिल्ला ग्लास DX एंड गोरिल्ला ग्लास DX प्लस, जो कि देखते हैं कब आती है। फिर ओप्पो से तो ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस, ये एक नई कहते हैं एडिशन आने वाली है, बोली है डिटेक्टिव कैनन कस्टम एडिशन। तो अगले हफ्ते अगर ये अनाउंस करेगी वो देखते हैं। फिर अगले बार DJI से, तो DJI मिनी अगर ये ऐसी, ये भैया मैं बताता हूँ भाई, ये ड्रोन है, ड्रोन के अंतर्गत के कैमरा भी आती है। तो कैमरा कहते उसमें लगा है GPS लोकेशन है और भी है, जो कि बोली है लॉन्च होगी चाइना में। एंड अगर कंपनी बोली चीपेस्ट प्राइस में मैं निकाला हूँ ड्रोन को, जो कि $309 है, तो चीपेस्ट प्राइस नहीं है। फिर अगले बार लेनोवो से, तो लेनोवो शाओशिन पैड प्लस अगर आने वाली है चाइना में, बट इंडिया में भी आने वाली है, बोली है कि उसको रीब्रांड करके लेनोवो टैब Q2 ये 11 प्रो निकालेगी वाईफाई वर्जन में, जो भाई प्राइस है $247। तो ठीक है, फिर अगले सैमसंग से, सैमसंग गलेक्सी F42 की यार स्पीज लीक हुई है, जो कि बताई जा रही डायमेंसिटी 700 के साथ। एंड गिगबेंच जो स्कोर बोली है 559 सिंगल कोर के लिए, मल्टी कोर के लिए 1719। तो ठीक है, फिर अगले माइक्रोमैक्स से, तो माइक्रोमैक्स इन 2B की स्पीज लीक हुई है, जो कि बोली है 6.5 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, यूनिसोक T610 प्रोसेसर है, 13+2 की कैमरा है, एंड 8 MP फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 10W की चार्जर, प्राइस है ₹7000, 30 जुलाई को आएगी, आप परचेज कर सकते हैं। फिर अगले हो पोको से, तो पोको X3 GT आने वाली है, बोली है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 प्रो के साथ आएगी, एंड 67W की चार्जिंग के साथ, 5000 mAh की बैटरी, जो लॉन्च होगी 28 जुलाई को। फिर अगले हो जियोनी से, तो जियोनी लॉन्च कर दी है स्टाइल फिट GS W6 एंड स्टाइल फिट GS W8 स्मार्ट वॉच, जो कि यार इंडिया में लॉन्च हो गई है। प्राइस रखी गई है GS W6 की ₹3000 एंड GS W8 की ₹3799। तो ठीक है, फिर अगले LG से, तो LG प्यूरी केयर वेयरेबल एयर प्योरीफायर, जिस तरह आप देख रहे हैं वो एक मास्क कंडीशन के हिसाब से है, मास्क है, मास्क में एयर प्योरीफायर है, जी बोलिए भैया कि माइक एंड स्पीकर के साथ आएगी, जो कि अभी प्राइस नहीं बोली गई, अगले महीने आएगी। फिर अगले मोटोरोला से, तो मोटोरोला कहते हैं निकाली भैया US में Moto G100, जो कि प्राइस है $499 एंड स्पीड है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 6.5 इंच की डिस्प्ले, 90 है रिफ्रेश रेट, 64 MP मैन कैमरा एंड 16 MP फ्रंट कैमरा, 20W की चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, तो गुड है। फिर अगले गूगल से, तो गूगल एक नया कहते हैं लाया भैया फिर से अपडेट, बोला है कि VR OS 3 जो वॉच में आएगी, समथिंग बोली जा रही है कि इस बार से जो अगर वॉच आएगी उसमें अपडेट देगा ये सिर्फ। फिर लावा से, तो लावा कहते बोली है भैया कि फर्स्ट 5G फोन अपनी कंपनी के अंतर्गत निकालेगी, जो कि बोली है इस साल के अंत तक निकाल सकती है 5G फोन, जो कि प्राइस बोली है ₹20000 के अंदर ही प्राइस निकालेगी, तो देखते हैं। फिर अगले फोन मीडियाटेक से, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100U आने वाली है, तो मीडियाटेक ने कहा भैया एक नया चिप लॉन्च करूंगा, जो कि बोला है भैया बैटरी को सेव करने के लिए, बैटरी लाइफ को और अच्छी करने के लिए मैं लॉन्च करूंगा। फिर अगले फोन IQ से, तो IQ 8 कहते हैं थोड़ी सी स्पेसिस एक और लीक हुई है, जो कि बोली है 160W की फास्ट चार्जिंग एक बूक चार्जिंग के साथ आ सकती है, तो देखते हैं। फिर अगले फोन रियलमी से, तो रियलमी बुक की एक नया कहते हैं रेंडर लीक हुई है, जो कि बोली है 3-4 नए नए कलर में आएगी, जिस हिसाब से आप वो देख रहे हो, ठीक है। फिर अगले बार शाओमी से, तो शाओमी 200W की हाइपर चार्जर बोली है कि अगले साल शायद ही मई में निकालूंगा, तो देखते हैं। फिर अगले बार वन प्लस से, तो वन प्लस बर्ड्स प्रो की ऑफिशियल लीकिंग हुई है, जो कि बोली है एडाप्टिव नॉइस कैंसलेशन, मैंने बताया था पहले से ही, एंड अप टू 38 आवर्स की बैटरी लाइफ, एंड जो भी आप जानते हो। फिर अगले शाओमी से, तो शाओमी कहते हैं कंटिन्यू किए भैया, बोली है कि जब अगर भारत में दूसरा कहते हैं वेव आया था कोरोना का वेव, तभी भी हमारी कमाई और तेज हुई थी, मतलब अभी भी अगर है नंबर 1 पे बनी है शाओमी इंडिया में, तो गुड़ी अच्छी बात है भैया, शाओमी को कंग्रेचुलेशन बोलूंगा। फिर अगले वन प्लस से, तो वन प्लस नॉट 2 अगर लॉन्च होगी इंडिया में, जो कि बोली है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च होगी इंडिया में, जो कि बोली अभी ये स्मार्ट डिस्प्ले गुड है। फिर अगली फोन कहते हैं अकारा से, तो अकारा भैया आप जानते हो MI की इकोलॉजिकल कंपनी, तो अकारा यार लॉन्च कर दिया है न्यू स्मार्ट रोलर ब्लाइंडर, जो कि मैंने कहा था भैया जैसे बताता हूँ भाई स्मार्ट रोलर ब्लाइंडर, जो कि भैया कहते हैं आप शीशा देखते हो, शीशा में पर्दा गिरता है, उस हिसाब से एक स्मार्ट ब्लाइंडर निकाला है, ब्लाइंडर को मैं कहूँगा एक अलग ही लेवल है इसका, जो कि बोली है भैया चाओ AI सपोर्टर एंड एलेक्सा सॉरी एलेक्सा यार सीरी सपोर्टर के साथ आई है, प्राइस बोली है $39।
तो गुड है। फिर अगले वावेश है, तो वावे यार टीस कर दी है एक एजुकेशनल स्मार्ट डिस्प्ले जो कि बोली है भैया पॉपअप कैमरा के साथ आएगी एंड बोली है 19 जुलाई को एक वीडियो के दौरान कहा गया है, देखते हैं। फिर अगले शाओमी से, तो शाओमी इंडिया का तैयार बोली है कि मेरा जो एम आई एनिवर्सरी सेल था उसमें लगभग 1,000 करोड़ की कमाई हुई, तो गुड बात है। एंड एक कूल प्रोडक्ट यार लॉन्च करेगा, बोला है कि एम आई स्कूटर लॉन्च करेगा जल्द ही, तो देखते हैं। फिर अगली फोन रियलमी से, रियलमी X2 एंड C12 एंड C15 यार रिसीव कर दी एंड्रॉयड 11 अपडेट, अच्छी बात है। फिर अगली फोन पोको से, तो पोको F3 GT लॉन्च होगी इंडिया में जो कि प्राइस बोली गई है 26,999 रुपये एंड 120 है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, रिफ्रेश रेट है भैया हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है एंड मेटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर है एंड गेमिंग ट्रिगर बटन के साथ 26 जुलाई को आप 12 बजे फ्लिपकार्ट पे परचेस कर सकते हो, तो गुड है। फिर अगली फोन ऑनर से, तो ऑनर मैजिक 3 प्रो की यह कहते हैं एक बोली है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के साथ एंड 3D फेसिंग स्कैनर, तो इस फेस को एक स्कैन कर सकता है 3D टाइप में आप शुरू कर सकता है, तो अच्छी बात है। फिर अगली फोन वावे से, तो वावे कहते हैं शेयर किया है भैया कि वावे P50 Pro की अगर एक एक फोटो भेजा है, वावे ने कहा भैया एक मैं फोटो भेज रहा हूँ जो कि बोला है कि एक कहते हैं लगभग गुड डिज़ाइन है एंड कलर वेरिएंट, मतलब कलर वेरिएंट नहीं, तो कलर अगर एक बताया गया है फोटो की कैप्चर कलर तो गुड है। फिर अगली फोन कहते हैं OnePlus से, तो OnePlus से कहते हैं बोला है कि ऑक्सीजन OS 12 लाने वाला इस साल, जो देखते हैं कहते हैं कब यह लॉन्च करता है, MIUI 14 तो रिलीज करने वाला है, MIUI 13। फिर अगली फोन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से, अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कहते लाइट वर्जन सोचा है, बट मैं कहूँगा अगर जैसे कंपनी द्वारा कहा गया भैया 700 MB का कहते स्टोरेज है एंड अगर जब 700 MB स्टोरेज है भैया तो 2 GB हो ही जाता है डाउनलोड करने में, मतलब खुद डाउनलोड किया गया खुद खेला 2 GB तो स्टोरेज खा ही लिया ही, तो कंपनी ने कहा मैं गुजारिश करूँगा भैया 2 GB का आप कंप्लीट डिटेल्स दो, वैसे iOS वर्जन में कहते देखते कब आता है, देखते हैं। फिर एक नोकिया से, नोकिया 110 लॉन्च की इंडिया में जो कि प्राइस बोली है $1,020 यूनिसोक T710 याद आया कुछ, हाँ जो कि मोटरोला इन 2B में यार वही है सेम, सॉरी वही है, लगभग 1.8 इंचेस की डिस्प्ले है और प्राइस है 2799। 24 जुलाई को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आएगी। फिर अभी अगले रियलमी से, रियलमी वॉच 2 एंड बर्स्ट वायरलेस 2 बर्ड्स बोली है कि यार और बर्ड्स Q2 नहीं हो आ गए भैया इंडिया में लॉन्च होगी आज ही, क्योंकि प्राइस है रियलमी वॉच 2 की 4,999 रुपये और बर्ड्स वायरलेस की 1,499 रुपये एंड बर्ड्स Q2 नियो की 499 रुपये 28 जुलाई से 26 जुलाई को अमेजोन पे आएगी, तो जाइए परचेस कर सकते हो। फिर वे अगले वो सैमसंग से, तो सैमसंग कहते यार मे भी लॉन्च करेगा फ्यूचर्स के लिए, बोला है कि गैलेक्सी जेड फ्लिप में रोटेटिंग कैमरा भी आ सकता है, एक हिंट दिया है, तो देखते हैं। तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, कल मैं नए साथ, तो आज के लिए गुड बाय कहिए, बट यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ठोकिए, तो आज के लिए गुड बाय।